बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। तो जिस किसी ने मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं मैथ और फिजिक्स की वीडियोस 9th, 10th और फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की वीडियोज अपलोड करूंगा। तो चलें जी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में हम आर्क लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता है सर्कल जो है ना, सर्कल का एक हिस्सा जो है उसको हम आर्क कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। ठीक है जी, इसका आप कोई हिस्सा ले लें, जैसे कि मैंने ये पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ठीक है, ये रेड कलर की जो सर्कमफ्रेंस का हिस्सा है इसको हम आर्क कहते हैं। अगर हमें इस आर्क की लेंथ फाइंड करनी पड़ जाए, इसकी लंबाई मालूम करनी पड़ जाए, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है जी, उसकी मदद से हमने इसको सॉल्व करना होता है, इस आर्क लेंथ को मालूम करना होता है। तो ये 7.2 में हम आर्क लेंथ मालूम करना सीखेंगे। तो इसके लिए ये जो आर्क लेंथ है इसको हम एल लेट कर लेते हैं कि इसकी लेंथ जो है वो एल है। ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है, तो सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक जो आपका फासला होता है इसको हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये आर हो जाएगा, और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये भी आर या रेडियस कहलाएगा। ठीक हो गया जी। तो फिर उसके बाद हमें ये जो सेंटर में एंगल बन रहा है, ठीक है जी, इस आर्क की वजह से, ये आर्क जो है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक है, तो इससे हमने सेंटर ओ तक मिला दिया। ठीक है, दो लाइंस की मदद से। तो ये जो सेंटर में एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम एंगल थीटा या सेंट्रल एंगल कहते हैं। तो आर्क लेंथ मालूम करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक हमें रेडियस पता होना चाहिए उस सर्कल का जिसकी ये आर्क है, और वो जो आर्क जो सेंट्रल एंगल बना रही है सेंटर सर्कल के सेंटर पे, वो हमें एंगल थीटा पता होना चाहिए, और इस थीटा के जो है ना रेडियन के अंदर होना जरूरी है। अगर आपके पास ये रेडियन में नहीं होगा तो ये जो हम फार्मूला पढ़ने लगे हैं जी, एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये फार्मूला होता है आर्क लेंथ निकालने का, लेकिन इस फार्मूले में थीटा जो है इसका रेडियन के अंदर होना जरूरी है। इसी वजह से हमने 7.1 में एंगल जो था हमें डिग्री में दिया होता था उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा था। तो ये वो हम फार्मूला यूज किया करेंगे जी, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ये तीन चीजें हैं, ठीक है, इनमें से हमें अगर दो चीजें पता हो तो हम तीसरी चीज मालूम कर सकते हैं। अगर हमें आर और थीटा बता दे तो हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें लेंथ और आर बता दे तो हम थीटा फाइंड कर सकते हैं, और अगर हमें लेंथ और आर बता दे तो लेंथ और थीटा बता दे तो हम आर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। और इस फार्मूले की अहम बात यह है कि एक तो जो एंगल है उसका रेडियन के अंदर होना जरूरी है, अगर एंगल रेडियन के अंदर नहीं होगा तो आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो यूनिट लेंथ का होगा वही रेडियस का भी यूनिट होगा। फर्ज करें आपकी लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो ये भी दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो हम चलें जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कहता है फाइंड थीटा। अब हमें कह रहा है थीटा फाइंड करें व्हेन एल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। देखें, अब हमें आर की वैल्यू भी बता रहा है, साथ ही हमें वैल्यू बता रहा है जी, सॉरी, एल की वैल्यू बता रहा है हमें, और साथ आर की वैल्यू बता रहा है, और हमसे कह रहा है थीटा फाइंड करें। ठीक है जी, तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, एज वी नो एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब चूंकि हमने थीटा फाइंड करना है, आर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर आ जाएगा। और अब ये दोनों वैल्यूज हमें पता है, ये इसमें पुट कर देंगे जी, थीटा इज इक्वल टू एल की जगह 2 आ जाएगा और आर की जगह 3.5 आएगा। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपके पास 0.57 आएगी, और इसके आगे हम रेडियन लगाएंगे क्योंकि इस एंगल, इस फार्मूले से हमें जो थीटा मिलेगा या इस फार्मूले के अंदर हम जो थीटा पुट करेंगे उसका रेडियन के अंदर होना जरूरी है। तो थीटा इज इक्वल टू 0.57 रेडियन हमारे पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर आ गया। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें हमें उसने एल की वैल्यू दी है जी 4.5 मीटर और आर दिया है 2.5 मीटर। तो आप देख लें कि लेंथ और जो रेडियस है इन दोनों का यूनिट भी सेम है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो हम फार्मूला लगा सकते हैं जी यही वाला, एज वी नो एल इज इक्वल टू आर थीटा, और थीटा हमने फाइंड करना है, आर दूसरे तरफ जाके डिवाइड होगा तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर हो जाएगा। और वैल्यूज पुट करेंगे जी, थीटा इज इक्वल टू एल की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 4.5 डिवाइडेड बाय आर, आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2.5 आएगा।
तो इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू 1.8 मिल जाएगी। और इसके आगे हम रेडियन लिखेंगे क्योंकि एंगल जो है इस फार्मूले से जो हम फाइंड करते हैं वो रेडियन में आता है, थीटा इज इक्वल टू 1.8 रेडियन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें कह रहा है फाइंड एल। अब हमने एल फाइंड करना है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। अब वही हमने एल इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला यूज करना है, लेकिन मसला ये है कि हमें जो थीटा दिया हुआ है वो डिग्री के अंदर दिया हुआ है, थीटा जो है वो रेडियन के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें जो थीटा दिया गया है डिग्री के अंदर, हम इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 180, ये हम 7.1 में पढ़ चुके हैं कि अगर डिग्री में एंगल हो तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 180 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना था, तब्दील करना था, तो हमने पाई बटा 180 से रब दे दी, 180 से कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। अब हम फार्मूला यूज कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो हमें वैल्यूज पता है, एल हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू आर की जगह 4.9 आ जाएगा मल्टीप्लाई थीटा की जगह, थीटा जो है रेडियन के अंदर हमारे पास पाई है, तो ये पाई पुट कर देंगे। तो ये कैलकुलेटर की मदद से आप कैलकुलेट करेंगे, 4.9 को मल्टीप्लाई करेंगे पाई से या 3.14 से, तो एल की वैल्यू आपको 15.4 सेंटीमीटर मिलेगी। देखिए अब आर जो था वो सेंटीमीटर में था, तो आप लेंथ का जो यूनिट लिखेंगे वो सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसमें हमें एंगल दिया गया जी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट एंड आर इज इक्वल टू 15 मिलीमीटर, ठीक है जी। हमने एल फाइंड करना है। अब फिर दोबारा से वही मसला है, बल्कि इसमें अब दो मसले हैं कि एक तो एंगल जो है वो हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर है, इसको पहले तो हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करने के बाद फिर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो इसको या एक ही दफा हम इकट्ठा भी ये काम कर सकते हैं। तो देखिए 60 डिग्री उसी तरह आ गया, प्लस 30 मिनट्स है, तो मिनट अब पता है आपको एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो मिनट से डिग्री में वापस जाने के लिए हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटा यूनिट है मिनट, छोटे से बड़े यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, तो 30 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये हमारा जो एंगल है वो डेसिमल के अंदर चेंज हो जाएगा, उसके बाद या डिग्री के अंदर चेंज हो जाएगा। अब हम इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप काम दोनों अलग अलग कर सकते हैं, मतलब आप पहले ये कर लें उसके बाद फिर ये कर लें, या आप इकट्ठा ये स्टेप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 60 आ जाएगा, प्लस 30 को 60 से डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। तो ये 60 प्लस 0.5 60.5 हो जाएगा, और पाई बाय 180 साथ उसी तरह आ गया। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे, 60.5 को हम पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से, और उसको डिवाइड कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा 180 से, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 1.0559 रेडियन आ जाएगी। तो हमें थीटा मालूम हो गया, ठीक है जी, रेडियन के अंदर। अब हम फार्मूला यूज कर सकते हैं जी, एज वी नो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो एल हमने फाइंड करना है, आर की जगह हम 15 पुट करेंगे और थीटा की जगह 1.0559 हम रेडियन में एंगल पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो एल इज इक्वल टू 15.84 मिलीमीटर यूनिट हमने, चूंकि आर का यूनिट मिलीमीटर था तो हम एल का यूनिट भी मिलीमीटर लिखेंगे। तो ये हमारी इसकी लेंथ आ गई जी आर की। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें कहता है फाइंड आर। अब हमने आर फाइंड करना है व्हेन एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन। अब हमें यहाँ एंगल पहले से उसने रेडियन के अंदर दे दिया है, एल भी हमें दे दिया गया 4 सेंटीमीटर, हमने आर फाइंड करना है, तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं जी। जैसा कि हमें पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, और हमने क्योंकि आर फाइंड करना है तो थीटा तो सिर्फ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। तो वैल्यूज पुट करेंगे, आर इज इक्वल टू एल की जगह 4 आ गया, डिवाइडेड बाय थीटा जो था वो 1/4 था, तो उसकी जगह 1/4 आ गया। ये 1/4 जब ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो ये 4/1 बन जाएगा, और 4/4 16/1, तो आर की वैल्यू हमारे पास 16 आएगी, और आर का यूनिट वही आएगा जो कि लेंथ का यूनिट था, ठीक है, आर लेंथ का, एल का यूनिट था, तो एल सेंटीमीटर में था, तो आर भी जो है वो 16 सेंटीमीटर आप साथ लिखेंगे। तो ये हमारे पास तीसरे क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, एल हमें दिया गया जी 52 सेंटीमीटर और थीटा जो दिया गया 45 डिग्री। फिर उससे दोबारा से हम
डिग्री के अंदर तो हम एंगल नहीं यूज कर सकते इस फार्मूले में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एंगल को हमने रेडियन के अंदर चेंज करना है। तो थीटा इज इक्वल टू 45, और इसको रेडियन में चेंज करने के लिए आप क्या करते होते हैं, पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो आप 45 और 180 की कटिंग होगी, तो 45 वन जार 45 और 45 फोर जार 180 होता है। ये आप इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो वैसे तो आपके पास ये आएगा जी पाई बाय 4 आएगा, ठीक है। फिर आप पाई को 4 से डिवाइड करें तो ये चीज़ आएगी, आप 45 को पाई से मल्टीप्लाई करें और 180 से डिवाइड कर लें तो 0.7854 रेडियन आपके पास आंसर आ जाएगा। ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब हमने आर फाइंड करना है, तो हमें पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो आर फाइंड करने के लिए थीटा दूसरे जाके डिवाइड होगा, तो आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा हो जाएगा जी हमारे पास। तो एल इज इक्वल टू सॉरी आर इज इक्वल टू एल की जगह हमने 52 पुट कर दिया, डिवाइड बाय थीटा, थीटा की जगह 0.7854 ये वैल्यू हमने पुट की। अब ये कैलकुलेटर की मदद से आप कैलकुलेट करेंगे, 52 को आप इसे डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू आपके पास 66.21, और चूंकि एल जो था वो सेंटीमीटर में था तो आर जो है रेडियस जो है वो भी सेंटीमीटर के अंदर आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारा जी 4 है। इसमें कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 मीटर, ठीक है। अब आर की वैल्यू हमारे पास 12 मीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, हमने एल फाइंड करना है विच सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 1.5 रेडियन, और थीटा की वैल्यू आपको 1.5 रेडियन दिया गया। तो ये क्वेश्चन सेंटेंस की शक्ल में है, तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं जी थीटा की वैल्यू हमें 1.5 रेडियन दी गई है, साथ हमें रेडियस बताया गया था ये 12 मीटर है, तो हमने एल फाइंड करना है। तो हमें पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो एल इज इक्वल टू आर की जगह हम 12 पुट कर देंगे, थीटा की जगह 1.5 आएगा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो एल की वैल्यू 18 आ जाएगी, और चूंकि रेडियस जो था उसका यूनिट मीटर था तो यहाँ पे लेंथ का यूनिट भी हम मीटर ही लिखेंगे, तो एल इज इक्वल टू 18 मीटर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट इन मूविंग ऑन दिस सर्कल इफ द पॉइंट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशंस। अब हमें कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 10 मीटर है, और जो एक पॉइंट है, ठीक है, वो मूव करता है सर्कल पे और वो 3.5 रेवोल्यूशन लेता है, यानी कि 3.5 चक्कर लगाता है वो पॉइंट, ठीक है जी। तो हमें रेडियस दिया गया आर 10 मीटर और साथ हमें एंगल दिया गया। अब एंगल जो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एंगल जो है उस पॉइंट का जो है वो जो पॉइंट है सर्कल में उसने 3.5 चक्कर लगाया, 3.5 रेवोल्यूशन उसने लिए हैं, तो वो हमारे पास उसका एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो देखें हमारे पास जो थीटा जो है वो है 3.5 रेवोल्यूशन, यानी कि 3.5 चक्कर पूरे सर्कल के। तो ये आपको पता है कि जो सर्कल होता है उसमें पूरा जो एंगल होता है वो 2π होता है, ठीक है। एक दफ़ा वो जब रिवॉल्व करेगा, एक दफ़ा रिवॉल्व करने पे 2π रेडियन उसका जो है एंगल हो जाएगा, उसको फिर दोबारा से रिवॉल्व करेगा तो 2 रेडियन और उसका एंगल बढ़ जाएगा, तो 4 रेडियन हो जाएगा। फिर एक तीसरा जब चक्कर लगाएगा तो ये 6 रेडियन बन जाएगा, और सॉरी 6π रेडियन बन जाएगा, और फिर जब आधा चक्कर और लगाएगा तो उससे फिर 5π रेडियन बढ़ेगा। तो ये 3.5 चक्कर का जो है उसका एंगल रेडियन के अंदर 7π होगा, ठीक है जी। और आर की वैल्यू हमें 10 मीटर दी गई है, तो अब हम क्या करेंगे जी, इसमें एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। एल इज इक्वल टू आर की जगह 10 आ जाएगा और थीटा की जगह हम 7π यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे इसको हम, तो ये हमारे पास 220 मीटर, ठीक है जी, उसकी लेंथ आ जाएगी आर्क लेंथ। ये वो वाली लेंथ है कि उस पॉइंट में 220 मीटर का फासला तय किया उन 3.5 चक्रों में। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 3 o'clock। तो कह रहा है कि हमारे पास जो घड़ी है उसकी सुइयां हैं और वो 3 बजा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 बजे के टाइम पे सुइयां जो होती है ना, इसकी जो हैंड्स होते हैं, ठीक है, क्लॉक के, उनकी डायरेक्शन ये होती है, ठीक है। तो ये छोटी सुई जो है वो 3 पे है और बड़ी सुई जो है वो 12 पे, ठीक है। तो हमने इसके दरमियान जो एंगल बनेगा सेंट्रल एंगल वो हमने कैलकुलेट करना है। तो अब आपको पता है फुल एंगल ऑफ द वॉच, अब वॉच जो घड़ी जो होती है वो सर्कल शेप में होती है,
तो सर्कल में जो पूरा एंगल होता है डिग्री के अंदर तो वो 360 होता है, लेकिन अगर आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो वो 2π रेडियन के इक्वल होता है। ठीक हो गया जी। तो देन एंगल बिटवीन टू डिजिट्स, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, ठीक है 12 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो 1 से लेके 12 तक हमारे पास 12 डिजिट्स हैं। तो पूरा जो सर्कल उसका सेंट्रल एंगल है पूरी घड़ी का वो है 2π। ठीक हो गया। तो 2 डिजिट्स के दरमियान जो एंगल होगा, तो चूंकि इसको 12 ऐसे बन जाएंगे तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 2π को 12 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी π/6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एंगल बिटवीन दी हैंड्स ऑफ वॉच, अब हमने 3 और 12 के दरमियान हमने जो है ना एंगल लेना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक एक हो जाएगा जी उसका 2 डिजिट्स के दरमियान ये जगह बन जाएगी, फिर ये दूसरी जगह बन गई और ये वाली तीसरी बन गई, यानी कि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, एंगल बिटवीन दी हैंड्स ऑफ वॉच, तो ये हमारे पास 2 डिजिट्स के दरमियान जो फासला था वो 2π/12 था, या इसको आप कटिंग करके π/6 कर लेंगे मल्टीप्लाई, या कितने डिजिट्स हैं आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ये एक डिजिट, फिर ये दूसरा और फिर ये तीसरा डिजिट, तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे इसको तो कटिंग होगी यहाँ पे हमारे पास, तो 3 1s are 3, 3 4s are 12 और 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो हमारे पास π/2 रेडियन जो है ये आंसर आ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री एंगल आएगा ये वन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क APB। ठीक है जी, हमारे पास ये एक फिगर दी गई है उसमें क्वेश्चन उसके एक्सरसाइज के अंदर, तो उसमें कह रहा है हमें कि आपने ये वाला जो आर्क लेंथ है APB, हमने ये वाली आर्क जो है आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। तो आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो रेडियस, रेडियस आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक तो जो फासला है वो 8 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर आपको नज़र आ रहा है। जब भी इस तरह स्क्वेयर बना हुआ हो तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। हमारे पास फ्रॉम द फिगर वी हैव थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री होता है इसको अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये π/2 बनता है। 90 को आप π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 91s are 90, 92s are 180, तो π/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, या कुछ एंगल आपको ये थोड़े से याद होने चाहिए कि जो 90 डिग्री होता है वो π/2 होता है, जो 180 डिग्री होता है वो π होता है, 270 जो होता है वो 3π/2 होता है, और 360 डिग्री जो होता है वो 2π होता है। तो ये 3-4 एंगल आपको जबानी भी याद होने चाहिए, और r की वैल्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब हमने ये लेंथ फाइंड करनी है इसकी, तो l इज इक्वल टू r थीटा फार्मूला यूज़ करेंगे। l इज इक्वल टू r की जगह हमारे पास 8 आ गया और थीटा की जगह हमारे पास π/2 आ गया। अगर आप यहाँ पे थीटा की जगह एंगल डिग्री में पुट करेंगे तो ये आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, इस फार्मूले की ये शर्त है कि थीटा इसके अंदर आपने रेडियन में पुट करना है। उसके बाद आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, 8 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 12.57 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में था, जो तो आर की लेंथ जो होगी वो सेंटीमीटर में ही हम लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड्स अ एंगल ऑफ 84 डिग्री। कहता है 12 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है और एक जो आर्क है वो कितनी लंबी होगी, कितनी लंबी एक आर्क हो, यानी कि हमने एल फाइंड करना है, जबकि उसका सेंट्रल एंगल जो है वो 84 डिग्री बने। तो थीटा हमें दिया गया 84 डिग्री, आर हमें दिया गया 12 सेंटीमीटर, तो पहले तो हम थीटा जो है वो डिग्री में है, तो वो तो हमें रेडियन में चाहिए। ठीक है, अगर हम आर्क लेंथ वाले फार्मूले में इसको पुट करना चाहते हैं तो 84 को हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके बाद आप कैलकुलेटर से 84 मल्टीप्लाई पाए करेंगे, आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट पाए होता है उसमें आप मल्टीप्लाई पाए भी लिख सकते हैं, या आप 3.14 उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, डिवाइड बाई 180 करेंगे तो 1.4661 रेडियन आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और अब हमने पता है एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो एल हमने फाइंड करना है, आर की जगह 12 आ गया और थीटा की जगह 1.4661, और ये सारे को जब कैलकुलेट करेंगे तो एल की वैल्यू हमारे पास 17.6, चूंकि रेडियस सेंटीमीटर में था तो ये भी आपके पास सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है जी, तो एल की वैल्यू हमारे पास 17.6 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद जो अगले क्वेश्चन हैं उनमें हमें सेक्टर का एरिया मालूम करना है, उसे देखते हैं सेक्टर क्या होता है। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि ए से बी तक जो है ये
सर्कमफ्रेंस का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसको हम आर्क कहते हैं, तो आर्क की लेंथ को हमने एल कहा था, और ये ए से लेकर ओ तक, ये चूंकि सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक पास है, इसको हमने रेडियस कहा था, कि दरमियान में सेंटर में एंगल थीटा था, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा, हम ये आर्क लेंथ फाइंड किया करते थे। अब इसके बाद अगर हमारे पास ये ए बी आर्क हो और हमारे पास ये दो रेडियाई हो, ठीक है, ए से लेकर ओ तक और ओ से लेकर बी तक, ये दो हमारे पास रेडियस है, तो दो रेडियस और एक आर्क के दरमियान सर्कल का जो सारा हिस्सा आता है इसको हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इस सेक्टर के एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला जो है यूज होता है, 1/2 आर स्क्वेयर थीटा, ठीक है। तो इस फार्मूले के अंदर भी जिस तरह हमने पिछला फार्मूला आर्क लेंथ किया था, एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए, तो इसमें भी एंगल जो है थीटा रेडियन के अंदर होगा, तब हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिससे अगले जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 सब में हमने इस एरिया लेना है सेक्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ पी आर। हमारे पास एक सेक्टर दिया गया है ओ पी आर, ठीक है, ये अंदर ये सारा जो है इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमें रेडियस बता दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और साथ सेंट्रल एंगल बताया गया है 60 डिग्री। तो एंगल अगर रेडियन में चाहिए तो 60 डिग्री को हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे फार्मूला यूज करेंगे। वो बोला थीटा में केवल है 60 डिग्री, आर में केवल है 6 सेंटीमीटर, तो थीटा जो है इसको हम 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 60 और पाई डिवाइड बाई 180, 60 को पाई से मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 1.0472 रेडियन एंगल आ जाएगा जी। इसके बाद हमें पता है जो एरिया ऑफ सेक्टर है ये 1/2 r² थीटा होता है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 इसी तरह आ जाएगा, आर की वैल्यू 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 1.0472। ये सारी चीज़ आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करनी है, 6 का स्क्वायर ले लेंगे, 6 मल्टीप्लाई 6, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.0472 के साथ, जो सारा आंसर आएगा उसको आपने फिर 2 से डिवाइड कर लेना, ठीक है। ये 1/2 का मतलब है कि इसको हमने 2 से डिवाइड कर लेना। ये सारी कैलकुलेशन करने पे आपके पास 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है और एरिया का यूनिट जो है जो रेडियस होगा, ठीक है, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो एरिया जो आता है उसका यूनिट होगा वो रेडियस वाले सेंटीमीटर में जो है हमारे पास यूनिट जो है उसका स्क्वेयर होगा। तो सेंटीमीटर में था रेडियस, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वेयर उसका यूनिट आएगा, तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, इसमें हमें फिगर दी हुई है कि ओ से लेके बी तक जो फासला है मतलब 20 सेंटीमीटर है, सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है, तो हम दे ओ पी आर जो हमारे पास सेक्टर है इसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे जी, आर 20 सेंटीमीटर, पहले हम थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 45 × π/180 आ जाएगा। उसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें आप कैलकुलेटर से 45 × π, या पाई की जगह 3.14 पुट करेंगे, डिवाइड बाय 180 करेंगे, थीटा की वैल्यू आपके पास 0.7854 रेडियन आ जाएगी। अब हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमारे पास 1/2 r² थीटा होता है, 1/2 इसी तरह आ गया, आर हमारे पास 20 है, तो ये 20 का स्क्वेयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू 0.7854 हमने पुट कर दी। अब कैलकुलेटर पे 20 का स्क्वेयर लेंगे, ये 400 आएगा, 400 को आपने 0.7854 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा फिर आपने उसको 2 से डिवाइड करना है, आपके पास 157.08 आएगा, और जो रेडियस सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पर एरिया का जो हमारे पास यूनिट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वेयर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जी, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर, ठीक है। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जिसका सेंट्रल एंगल 20 डिग्री है और उस सर्कल का रेडियस 7 मीटर है, तो थीटा हमें दे दिए गए जी 20 मीटर, रेडियस की वैल्यू हमें दे दी है 7 मीटर, तो पहले हम थीटा को जो है रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 20 × π/180 करेंगे, तो यहाँ पे अब 20 को हमने पाई से मल्टीप्लाई करना है कैलकुलेटर में, ठीक है, ये अगर आपको पाई उसमें नहीं, उसको वैल्यू आपको उसमें
नहीं आपके कैलकुलेटर में पाए डेसिमल नहीं है, तो आप क्या करेंगे 20 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 180 से, तो थीटा की वैल्यू आपके पास 0.3491 रेडियन आ जाएगी। अब थीटा हमें रेडियन में पता लग गया, आप सिंपली आपने फार्मूला लगाना है और इसमें वैल्यू स्पोर्ट करनी है। हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा की इक्वल, तो 1/2 उसी तरह आ जाएगा। आर क्योंकि 7 था तो ये 7 का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई थीटा की जगह 0.3491, तो कैलकुलेटर में आप 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आएगा, उसको फिर आप 0.3491 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको फिर आपने 2 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास 8.55 मीटर स्क्वायर है। क्योंकि रेडियस मीटर में था तो आप एरिया जो है हमारे पास उसका यूनिट हम मीटर स्क्वायर लेंगे। यहाँ 10वें क्वेश्चन का आंसर आ गया जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, शहर इज मेकिंग अ स्कर्ट, शहर जो है वो एक स्कर्ट बना रही है। ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट इज ऑफ द शेप शोन शेडेड इन डायग्राम, तो वो जो स्कर्ट बना रही है उसके जो दो पैनल होते हैं ठीक है, उसका हर पैनल है वो जो शेडेड रीजन दिया गया है उसका पैनल इस तरह का है ठीक है। हाउ मच मटीरियल क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल, तो हर पैनल के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी, यानी कि हमने ये जो एरिया है अंदर ठीक है शेडेड रीजन वाला ये हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं हमारे पास दो सेक्टर बन रहे हैं, एक तो हमारे पास ये वाला सेक्टर बन रहा है ओ सी डी और एक सेक्टर बन रहा है हमारे पास ओ ए बी। तो कपड़ा क्योंकि हमें ये शेडेड रीजन वाला चाहिए तो हम पहले क्या करेंगे ओ सी डी का सेक्टर एरिया सारा निकाल लेंगे, उसमें से फिर आप ओ ए बी वाला जो सेक्टर एरिया है उसको माइनस कर लेंगे, तो फिर हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आ जाएगा, यानी कि जो कपड़ा है उसको जरूरत है उसका हमें पता लग जाएगा कितना कपड़ा इसमें लगेगा। तो शेडेड एरिया जो है हमारे पास ए बी सी डी ठीक है, ये जो रीजन है ये इक्वल है कि एरिया ऑफ ओ सी डी ठीक है, एरिया ऑफ दी जो हमारे पास जो सारा बन रहा है सेक्टर ओ सी डी माइनस एरिया ऑफ दी हमारे पास ये जो ओ ए बी सेक्टर बन रहा है ठीक है, इसका एरिया उसमें से माइनस कर देंगे। थीटा जो है दोनों का सेम है ठीक है, इस सेक्टर का भी आप देख सकते हैं थीटा 80 डिग्री है सेंट्रल एंगल और इस सेक्टर का भी एंगल जो है वो 80 डिग्री है। तो अब हम पहले क्या करेंगे और एंगल जो है वो डिग्री के अंदर दिया है, तो सबसे पहले हम इसको डिग्री में से रेडियन में चेंज करेंगे, तो 80 को हम 5/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सारा काम हम कैलकुलेटर में करेंगे। 80 को आपने 3.14 यानी कि पाई से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय 180 करेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू जो है वो 1.3963 रेडियन मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं जी, पहले ये जो ओ सी डी है ठीक है जो हमारा बड़ा सेक्टर है इसका हम एरिया फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास हमें पता है हमारे पास जो रेडियस है इस पूरे बड़े का यहाँ से यहाँ तक 56 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये जो बड़ा हमारा सेक्टर है ओ सी डी बन रहा है, जो इसमें जो रेडियस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, 56 में से 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास 66 सेंटीमीटर इसका रेडियस बन जाएगा। और थीटा आपको पता है दोनों का सेम है, थीटा ये यूज होगा तो एरिया जो है हमारे पास ये पूरी ओ सी डी हमारे पास सेक्टर बन रहा है ये बन जाएगा 1/2 r² थीटा, 1/2 इसी तरह आ जाएगा, आर हमारे पास 66 है, 66 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा की जगह 1.3963 वैल्यू पुट कर देंगे। इस सारे को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, 66 का स्क्वायर लेंगे यानी कि 66 को दो दफा मल्टीप्लाई करेंगे, 66 मल्टीप्लाई 66 मल्टीप्लाई 1.3963 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको आपने फिर 2 से डिवाइड करना है, तो आपको 3041.14 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ओ सी डी सेक्टर का ये जो बड़ा सेक्टर था हमारा इसका एरिया। इसी तरह अब हमने जो छोटा सेक्टर है ठीक है ओ ए बी जो है इसका हमने फाइंड करना है एरिया, तो उसके लिए आर की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर ये ओ से लेकर ए तक, और एरिया हमारे पास फाइंड करने के लिए 1/2 r² थीटा 1/2 आर की जगह 10 का स्क्वायर आ जाएगा, और थीटा आपको पता है दोनों में सेम है और वो 1.3963 हमने पहले रेडियन में कन्वर्ट किया था इसको, तो ये वैल्यू पुट करेंगे 10 का स्क्वायर लेंगे 100 आएगा, 100 को 1.3963 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 69.82 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें चूंकि ये सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए तो हम ये टोटल वाले एरिया में से ये वाला जो ओ ए बी वाला सेक्टर है इसके एरिया माइनस करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन वन इस इक्वेशन वन में जब हम पुट करेंगे जी तो शेडेड एरिया ऑफ हमारे पास जो ए वाला शेडेड एरिया ये इक्वल आ जाएगा जी एरिया जो ये वाला था ठीक है बड़े सेक्टर का
3041.14 माइनस इसमें से काट देंगे जी तो ओ ए बी वाला सेक्टर है इसका एरिया 69.82, ये हमारे पास 2971.32 सेंटीमीटर स्क्वेयर इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल पाई बाय 5 रेडियन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें सारी चीज़ें बता दी गई हैं, एंगल भी हमें रेडियन में बताया है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और रेडियस 10 सेंटीमीटर बताया गया, हमने सिर्फ फार्मूला लगाना है और सेक्टर के एरिया निकालना है। थीटा पाई बाय 5 रेडियन है, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 आर की जगह 10, तो ये 10 का आर का स्क्वायर था, तो ये 10 का स्क्वायर बन जाएगा मल्टीप्लाई थीटा की जगह पाई बाय 5 आर। अब आप जब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 10 का स्क्वायर लेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 100 को फिर आप पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से जो आंसर आएगा, फिर आपने उसको 2 से भी डिवाइड करना है, फिर उसको आपने पाई से डिवाइड करना है, या आप ऐसे समझ लें कि आपने 10 के स्क्वायर को पाई से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 10 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 2 और 5 दोनों नीचे हैं तो आपने दोनों से डिवाइड करना है, या फिर आप पहले पाई बाय 5 की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, वो जो आए फिर उसके साथ आप इसको कैलकुलेट कर लें। ये 31.42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, द एरिया ऑफ द सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर, फाइंड थीटा इन रेडियस। अब हमें रेडियस बता दिया गया, आर की वैल्यू दे दी गई, साथ हमें एरिया भी बता दिया गया कि एरिया 10 स्क्वायर मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, हमने थीटा फाइंड करना है, हमें पता है एरिया हमें 10 मीटर स्क्वायर दे दिया, आर हमें 2 मीटर दे दिया गया, हमें थीटा फाइंड करना है, तो वही हम एरिया ऑफ द सेक्टर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 आर स्क्वायर थीटा, हमें एरिया ऑफ सेक्टर पता है कि 10 मीटर स्क्वायर है इक्वल 1/2, इसी तरह आ गया आर का स्क्वायर है, यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर ले लेंगे, और थीटा हमें नहीं पता ये हमें फाइंड कर रही है, इसी तरह आ गया। तो अब यहाँ पे 2 है, ये 2 की पावर 2 लेंगे तो ये 4 आएगा, 2 और ये 4 कटेगा तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा। अब हमें थीटा फाइंड करना है, 2 दूसरे के आगे डिवाइड होगा, 2 1 2 2 5 10, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 5 रेडियन आ जाएगी, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। ये इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 7.2 कम्प्लीट हो गई है। अब मेरे चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।